तो फ्रेंड्स, सविता फैशन यूट्यूब चैनल पे सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आपके लिए न्यू वीडियो आ गया है। तो समर सीजन आ गया है, तो अभी स्लीवलेस ब्लाउज का बहुत जरूरी है और इसका रिक्वेस्ट भी बहुत दिन से था, तो जिसके कारण मैं स्लीवलेस बाकर ब्लाउज लेके आई हूँ। और इसका जो साइज है 33 N हाफ पीस है, अपर चेस्ट के हिसाब से, रेडीमेड के हिसाब से नहीं है। तो पहले बैक पार्ट काटना है, तो बैक पार्ट के लिए लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है, हाइट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लंबाई रखूंगी 14 इंच, इसको बराबर पहले मिलाना है। अभी देखिए शोल्डर पे आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको शोल्डर कोटी ज्यादा नहीं चाहिए उस टाइम पे 5 1/2 इंच लीजिएगा। तो ये जो मेजरमेंट है आप मिनिमम 42 साइज तक ले सकते हो शोल्डर का। और अगर शोल्डर का पट्टी थोड़ा ज्यादा चाहिए उस टाइम पे आप 6 इंच यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखूंगी, तो 6 इंच पे मैं इसका शोल्डर पट्टी रख दूंगी। तो इसके बराबर पहले यहाँ पे मिला लेना है। अभी देखिए आर्म होल लेना है। नॉर्मली जितना आर्म होल आप लेते हो तो नॉर्मली मेरे 5.25 इंच है, लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम 2 फुट कम लेना है। कोई भी साइज का हो, कितना भी आपका आर्म होल की मेजरमेंट हो, जितना आता है उससे आपको मिनिमम 2 फुट कम लेना है। अगर आर्म होल पे थोड़ा आपको लूजिंग पसंद है उस टाइम पे जितना नॉर्मली आर्म होल लेते हो आप उतना भी ले सकते हो। अभी देखिए हमें छाती का चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पे क्या होता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है चौथा हिस्सा कैसे लेना है। तो यहाँ पे देखिए 33 1/2 इंच है, तो यहाँ तक है अपर चेस्ट। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे लेना है उस टाइम पे देखिए इसको इस तरीके से पहले 2 फोल्ड कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे बराबर मिला के लेना है। यहाँ पे 2 फोल्ड हो गया है। अभी दोबारा से यहाँ पे देखिए और 1 फोल्ड ऐसे कर लीजिएगा, तो 4 फोल्ड यहाँ पे हो गया है। बहुत ही इजीली आपको यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिला है देखिए, 18 से 200 नहीं, 200 से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको लेना है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। तो जितना मिला है सेम मैं यहाँ पे निशाना लगा लूंगी। अभी इसके साथ 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है अंदर की तरफ, ज्यादा फेब्रिक अगर आपको लेना है उस टाइम पे आप 2.5 इंच से 3 इंच लीजिएगा। टोटल देखिए जितना यहाँ पे छाती मिला है, अपर चेस्ट मिला है, उससे मैं हाफ इंच कम रखूंगी कमर के लिए। तो इस तरीके से लेने से हो जाता है, अलग से लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे आर्म होल पे 1 इंच भी थोड़ा कम रखूंगी, 0.25 इंच रखूंगी, क्योंकि देखिए शोल्डर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया है उसी हिसाब से यहाँ पे आर्म होल होगा। तो अगर आप यहाँ पे 5 1/2 इंच शोल्डर लेते हो उस टाइम पे 1 इंच पे आपको आर्म होल का यहाँ पे शेप देना है। मैंने हाफ इंच वहां पे छोटा कर लिया था जिसके कारण 0.25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशाना दिया। तो देखिए आर्म होल का शेप भी यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देखिए मैं 2 इंच पे नेक का चौड़ाई रखूंगी और नीचे की तरफ मैं 9 1/2 इंच रखूंगी, इस तरफ मैं 3 इंच रखूंगी। इसको इसके साथ मिलाना है, तिरछा करके इसको इसके साथ मिलाना है। अभी आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल भी दे सकते हो, या चाहो तो और भी अंदर की तरफ फैला के दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउन करना है, लगभग 1 सूत या 1.5 सूत यहाँ पे डाउन करके देना है। इस साइड पे 5 इंच पे और ऊपर की तरफ 5 1/2 इंच। तो ये हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। तो यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी, अगर किसी को शोल्डर पट्टी और भी छोटा चाहिए तो आप और भी छोटा ले सकते हो। उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले नॉर्मली 5 1/2 इंच पे निशाना देना है, आर्म होल का शेप भी आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पे जितना छोटा रखना है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको छोटा कर लेना है। देखिए
इस तरीके से आपको छोटा कर लेना है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए जिसके कारण मैंने थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लिया। अभी हमें फ्रंट पार्ट काटना है, तो अभी देखिए जो बैक पार्ट मैंने काट किया था इसको इस तरीके से बराबर मिला लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। अभी इसके हिसाब से हमें पहले निशाना देना है। इसको हटा लेना है। देखिए यहां तक था बैक पार्ट, अभी यहां से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अभी यहां से हमें फ्रंट नेक डीप लेना है। यहाँ पे आप 7 भी ले सकते हो, 7.5 इंच भी ले सकते हो। तो 7.5 इंच लेने से फ्रंट साइड पे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, 2.75 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा रखूंगी क्योंकि बहुत डीप नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया। अभी इसको शेप देना है। तो फ्रंट शेप यहाँ पे हो गया है। उसके बाद देखिए हमें बास्ट के लिए पॉइंट देना है। यहाँ पे 6 इंच से शोल्डर से 6 इंच, उसके बाद 5.25 इंच पे और एक निशाना देना है। पहले इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं 7.5 इंच रखूंगी कटोरी के लिए। आपका अगर फुल बस्ट कम है तो 7 लीजिएगा, अगर किसी की बहुत ही कम है उस टाइम पे 6.5 इंच ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपको 7 इंच लेना है। ज्यादा होने से थोड़ा सा तो 7.5 इंच लेना है। अभी देखिए जितना मिला है इसका हाफ कर लेना है, ऐसे मिडल पे एक निशाना देना है। फिर यहां से ऊपर की तरफ 1.75 इंच ऊपर की तरफ उठा लेना है। यहाँ पे भी अगर किसी को फ्रंट की तरफ जो कटोरी है इसका शेप ज्यादा उभर हुआ नहीं चाहिए, उस टाइम पे यहाँ पे 1 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत लेना है। यहाँ पे हल्का सा आपको दबा के देना है इस साइड पे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, तो मिलाने के लिए आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है। आप चाहो तो 5 इंच, 5.5 इंच कहीं से भी आप ये ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे रखूंगी। तो हो गया है। अभी नीचे की तरफ देखिए, यहां से मैं 4 इंच रखूंगी। 3.5 इंच लेने से भी यहाँ पे होता है। इस साइड पे हमेशा कोई भी साइज का हो 1.5 इंच लेना है, और इस साइड पे जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ आपको लेके आना है। पौने एक इस ऊपर की तरफ उठा लेना है। और यहाँ पे और एक चीज रह गया, दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो मिलाने के लिए देखिए, यहाँ पे मिलाने के लिए आपको लगभग 3 सूत बाहर की तरफ लेके आना है और इसको तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। तो 3 सूत मैं बाहर की तरफ क्यों लेके आती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट फेब्रिक पे काटिंग करती हूँ, यहाँ पे उरेप नहीं करती हूँ, जिसके कारण थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आना है और इसको भी थोड़ा लेके आना है। तो यहाँ पे हो गया है। अभी ये जो साइड है ये रह गया है, जितना नीचे का पार्ट होता है इसको पहले इसका मिडल निकल लेना है। निकलने के बाद मिडल से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है। फिर देखिए इसको कभी ऐसे सीधा नहीं लेके जाना है, ऐसे ये सीधा आपको नहीं लेना है, मिनिमम आपको 1.5 इंच इसको तिरछा कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पे पूरा हो गया है। अभी सिर्फ नीचे का बेल्ट रह गया है। ये बैक पार्ट आपको लेना है, इसकी चौड़ाई की हिसाब से लेना है, यहां से यहां तक है। आप सिंपल तरीके से ऐसे ही पहले शेप दे सकते हो। और मिडल पे देखिए मैं यहाँ पे 4 इंच रखूंगी, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो जितना मैंने यहाँ पे लिया ये भी ज्यादा होगा। और इस साइड पे देखिए 5 इंच से लगभग 2 सूत ज्यादा है, और इस साइड पे देखिए 4.5 इंच है। तो इस तरीके से लेने से बेल्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं करना है। अभी हमें ये काट कर लेना है।
फ्रेंड्स पूरा कटिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्लीवलेस ब्लाउज कैसे काटना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई दिखाऊंगी, पूरा इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ तक पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत ही कम करते हो, आप सबसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे आप कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, तब दूसरा वीडियो करने में अच्छा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।